अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, माय डियर फ्रेंड। आज के लेक्चर में हम मैकेनिक्स चैप्टर नंबर 7, काइनेमैटिक्स क्वेश्चन नंबर 6, इस चैप्टर का आखिरी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो वो क्या कहता है, फाइंड द रेडियल एंड ट्रांसवर्स कंपोनेंट ऑफ एक्सरेशन। आपने एक्सरेशन का रेडियल कंपोनेंट फाइंड करना है और ट्रांसफर कंपोनेंट, ठीक है, ऑफ ए पार्टिकल मूविंग अलोंग द सर्कल। सर्कल की इक्वेशन दे दी है, ठीक है, एक पार्टिकल सर्कल के अलोंग मूव कर रहा है विद कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी सी, और एंगुलर वेलोसिटी सी के साथ, ठीक है बच्चों। और आपको पता है एंगुलर वेलोसिटी क्या होती है, डी थीटा ओवर डी टी, यानी आपको थीटा डॉट उसने दे दिया, सी दे दिया है और सर्कल की इक्वेशन दे दी है। तो सबसे पहले इसको मैं आर में कन्वर्ट करूँगा, फिर वहाँ से आर डॉट निकालूँगा, फिर आर डबल डॉट निकालूँगा। इसी तरह थीटा डॉट मुझे गिवन है, थीटा डबल डॉट फाइंड करके और उसके बाद अपना टारगेट की तरफ पहुंच जाऊंगा, ठीक है बच्चों। चलें जी स्टार्ट करते हैं। जी बच्चों, बाय गिवन इन्फॉर्मेशन एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर इज इक्वल टू एक स्केयर, और एंगुलर वेलोसिटी दे दी है, एंगुलर वेलोसिटी होता है डी थीटा ओवर डी टी, वो आपको सी दे दिया। इसका मतलब है डी थीटा ओवर डी टी हमें पता है वो थीटा डॉट होता है, तो थीटा डॉट इज इक्वल टू सी आ गया। अब नो थीटा डबल डॉट फाइंड कर लेते हैं, ठीक है। और थीटा डबल डॉट क्या होता है, यानी डी थीटा डॉट ओवर डी टी, थीटा डॉट को विद रिस्पेक्ट टू टी डिफरेंशिएट करेंगे तो थीटा डबल डॉट आ जाएगा। अब थीटा डॉट आपके पास सी है और कॉन्स्टेंट का डेरीवेटिव विद रिस्पेक्ट टू टी वो ज़ीरो होगा, तो थीटा डबल डॉट की वैल्यू ज़ीरो आ गई, ठीक हो गया बच्चों। चलें जी, अब हमने क्या करना है, अब हमने इस इक्वेशन को हमने पोलर कोऑर्डिनेट्स में कन्वर्ट करना है, यह है रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट्स में, क्योंकि मुझे आर डॉट चाहिए, तो आर होगा तो आर डॉट निकलेगा ना। तो वी नो डैट द रिलेशन बिटवीन रेक्टेंगुलर एंड पोलर कोऑर्डिनेट्स इज गिवन बाय, जी तो एक्स इज इक्वल टू आर कॉस थीटा, वाई इज इक्वल टू आर साइन थीटा, ठीक है। तो इक्वेशन वन बिकम, जहाँ जहाँ एक्स है आर कॉस थीटा पुट कर दें, वाई की जगह आर साइन थीटा पुट कर दें, तो इक्वेशन वन में क्या चेंज आ जाएगा, यानी एक्स का स्केयर था तो ये बन जाएगा आर कॉस थीटा का स्केयर प्लस वाई का स्केयर, तो आर साइन थीटा का स्केयर इज इक्वल टू ए स्केयर, तो ये बन जाएगा आर स्केयर कॉस स्केयर थीटा प्लस आर स्केयर साइन स्केयर थीटा इज इक्वल टू ए स्केयर। तो आर स्केयर कॉमन ले लें, साइन स्केयर प्लस कॉस स्केयर ये वन हो जाएगा, ठीक है। तो मेरे पास आर स्केयर इज इक्वल टू क्या आ गया, ए का स्केयर। जी बच्चों, अब आर स्केयर इज इक्वल टू क्या आ गया, ए का स्केयर। अब चूंकि आर जो है ना वो रेडियस वेक्टर है और हम जो है ना मोशन को डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में, इसलिए आर मेरा क्या होगा, दोनों तरफ स्केयर लेंगे तो आर इज इक्वल टू मेरा ए आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि हमने मोशन को डिस्कस कर रहे हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट में और फर्स्ट में सारे पॉजिटिव होते हैं, तो आर इज इक्वल टू आपका ए आ जाएगा। चलें जी, अब आर डॉट ए कोई कांस्टेंट है तो आर डॉट मेरा क्या आ जाएगा बच्चों, आर को विद रिस्पेक्ट टू टी डिफरेंशिएट करूंगा तो ए को विद रिस्पेक्ट टू टी डिफरेंशिएट करूंगा तो वो तो जीरो हो जाएगा, ठीक है, आर डॉट मेरे पास जीरो आ गया। अब आर डबल डॉट भी वो भी जीरो होगा, क्योंकि आर डबल डॉट क्या होता है, डी आर डॉट ओवर डी टी, आर डॉट तो जीरो है तो जीरो को विद रिस्पेक्ट टू टी डिफरेंशिएट करेंगे तो जीरो ही आएगा, तो आर डबल डॉट भी जीरो आ गया, ठीक है बच्चों। चलें जी, अब वी नो डैट हम जानते हैं मेरे पास एक रिलेशन होता है, ये आपने याद रखना है कि ए इज इक्वल टू दिस, यानी एक्सरेशन का जो रेडियल कंपोनेंट है वो ये है और एक्सरेशन का जो ट्रांसफर कंपोनेंट्स है वो ये वाला है। जी बच्चों, अब हम क्या लिखेंगे, रेडियल कंपोनेंट ऑफ एक्सरेशन इज, एक्सरेशन का रेडियल कंपोनेंट ए आर से उसको डिनोट करते हैं, वो आपका ये वाला है, ये रेडियल कंपोनेंट है एक्सरेशन का। तो आर डबल डॉट माइनस आर थीटा डॉट का स्केयर, आर डबल डॉट की वैल्यू तो जीरो है, आर की वैल्यू ए है, थीटा डॉट हमें गिवन था सी और स्केयर है तो सी का स्केयर, तो ये बन जाएगा ए आर इज इक्वल टू माइनस सी स्केयर, ए आर इज इक्वल टू माइनस ए सी का स्केयर। अब हमने ये है रेडियल कंपोनेंट, अब हमने ट्रांसफर कंपोनेंट ऑफ एक्सरेशन फाइंड करते हैं। जी बच्चों, तो नो ट्रांसफर कंपोनेंट ऑफ एक्सरेशन इज, वो क्या होगा, ए थीटा आर टू आर डॉट थीटा डॉट प्लस आर इंटू थीटा डबल डॉट, ठीक है, टू आर डॉट जीरो है, थीटा डॉट सी है, आर की वैल्यू ए है, थीटा डबल डॉट जीरो है, तो ये जब इसको सॉल्व करेंगे तो
जीरो आ गया, तो हैंस ट्रांसफर कंपोनेंट ऑफ एक्सलरेशन इज जीरो। तो ये एक छोटा सा क्वेश्चन था, उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गई होगी। जस्ट इसमें आपने क्या करना था, पहले उसने रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट्स में इक्वेशन दिया, आपने उसको पोलर कोऑर्डिनेट्स आर और थीटा में कन्वर्ट करना था, ठीक है। फिर वहाँ से आपने आर डॉट फाइंड किया, आर डबल डॉट फाइंड किया, ठीक है। एंगुलर वेलोसिटी आपको उसने दे दी थी थीटा डॉट, थीटा होता है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, थीटा जो होता है वो क्या होता है बच्चों, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, और थीटा डॉट जो होता है वो क्या होता है एंगुलर वेलोसिटी, ठीक है बच्चों। तो ये था क्वेश्चन, उम्मीद करता हूँ समझ आ गया होगा, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। इसी के साथ हमारा मैकेनिक्स का चैप्टर नंबर 7 कंप्लीट हुआ, ठीक है। और इसमें से एक क्वेश्चन लाजमी देते हैं 17 मार्क्स का, यानी कि एक 9 नंबर का पार्ट देगा, थ्योरम देगा और उसी से रिलेटेड कोई क्वेश्चन दे देगा, यानी कि दो ही थ्योरम है, टेंजेंशियल एंड नॉर्मल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन और रेडियल और ट्रांसफर कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी और एक्सेलरेशन। अगर टेंजेंशियल का थ्योरम देता है तो उसके साथ टेंजेंशियल और नॉर्मल का कोई क्वेश्चन दे देगा आपको, और इसी तरह अगर ट्रांसफर रेडियल और ट्रांसफर का थ्योरम देता है तो रेडियल और ट्रांसफर का कोई ना कोई क्वेश्चन दे देगा आपको, ठीक है। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, खुदा हाफिज़।